वाटर इक्वलेंट अगर मैं आपको थ्योरी में पढ़ूं कि डेफिनेशन याद कर लो तो देखो यूजलेस है ये, पेपर में डेफिनेशन नहीं आती है क्या. इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द वाटर व्हिच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इज रिक्वायर्ड बाय अ गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर. मेरे को नहीं लगता ये तीन लाइनें पढ़ के कोई बता सके कि वाटर इक्वलेंट क्या है. तो आप अपनी कॉपी में इस बुकलेट में साइड पे छोटी जगह पे एक एग्जाम्पल नोट करें. वो एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझो आ गया वाटर इक्वलेंट. तो लिख लें प्लीज साथ साथ, इसमें लिखा नहीं हुआ लिखें. तो इसमें ऐसे लिखें कि सपोज करो आपके पास ये एक कॉपर का कैलोरी मीटर है. कैलोरी मीटर जिसमें हम कोई कॉपर का बना होता है और जिसमें वाटर वगैरह डालते हैं और गर्म करते हैं. तो ये कॉपर का कैलोरी मीटर है जिसमें वाटर गिवन है, ठीक है. मान लो कॉपर के कैलोरी मीटर और वाटर का टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का 20 डिग्री सेल्सियस है. मैं ये चाहता हूं, और कॉपर जो है वो 5 केजी का कॉपर का कैलोरी मीटर है और पानी इसमें 10 केजी का पानी है. तो ये मास ऑफ वाटर गिवन है और ये मास ऑफ कॉपर गिवन है. ये लो, ये गिवन है, ठीक है. यहां तक ये दोनों चीजें गिवन है. तो आपको क्या करना है इसमें, आपको इसके अंदर इसका टेम्परेचर वाटर और कॉपर का इंक्रीज करना है. आपको कितना इंक्रीज करना है, मान लो क्वेश्चन में गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस करना है. तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, इससे हीट देनी पड़ेगी. तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, मैं कॉपर के लिए क्या लगाऊंगा, मास ऑफ कॉपर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इंटू राइज इन टेम्परेचर एमसी डेल्टा टी. फिर ऐसे मैं वाटर के लिए भी लगाऊंगा, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू राइज इन टेम्परेचर. तो ये वाटर के लिए हीट और कॉपर के लिए भी हीट लगाऊंगा, ये आंसर आएगा. मैं वैल्यूज पुट करूंगा, आंसर आएगा. आगे चलने से पहले एक स्टैंडर्ड वैल्यू याद कर लेते हैं. जो वाटर है ना, वाटर की स्पेसिफिक हीट, मोलर नहीं, सिंपल स्पेसिफिक हीट की वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है. ये ना आपको याद करनी है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, ये बाय डिफॉल्ट याद करनी है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड है, ठीक है. तो मैं वैल्यूज पुट करता हूं. तो मुझे कॉपर का मास गिवन है कितना, 5 केजी. तो मैं 5 केजी पुट कर लेता हूं. कॉपर की स्पेसिफिक हीट मुझे नहीं गिवन, कोई बात नहीं, अभी देखते हैं इसका क्या करना है. मैं इसको खाली छोड़ रहा हूं एक मिनट के लिए. डेल्टा टी कितना है, टेम्परेचर कॉपर का 20 से कितना करना है, 25. तो 25 माइनस 20 प्लस. वाटर का मास कितना गिवन है, वाटर का मास है 10 केजी. स्पेसिफिक हीट वाटर की, अब ध्यान से, क्योंकि मैंने यहां पर केजी लिया हुआ है, यहां पे केजी, ये केजी चल रहा है, ये 10 क्या है, केजी. स्पेसिफिक हीट कैलोरीज पर ग्राम नहीं हो सकती, कैलोरीज पर केजी हो सकती है, समझ रहे इस चीज को. तो इस यूनिट्स को हम न्यूमेरिकल में नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं, पर चलो मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी बना देता हूं. मैं केजी की जगह ना एक काम करता हूं, उसको ग्राम ही ले लेता हूं ताकि आपको कन्वर्ट करना ही ना पड़े. तो मान लो ये 10 ग्राम है, बात ही खत्म कर देते हैं. तो अब कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है आपको, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम ले लेते हैं, ठीक हो गया. ग्राम ग्राम ले लिया, बात खत्म. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं. स्पेसिफिक हीट की वैल्यू वाटर की 1 कैलोरी पर ग्राम है और राइज इन टेम्परेचर इसका गिवन है. अब मुझे सब कुछ गिवन है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो क्या, कॉपर की स्पेसिफिक हीट. अगर कॉपर की स्पेसिफिक हीट पता लग जाए तो एटलीस्ट मैं क्या निकाल सकता हूं, कितनी हीट मुझे देनी पड़ी ताकि टेम्परेचर 20 से 25 हो गया, राइट. क्लियर है यहां तक, तो मिसिंग वैल्यू क्लियर है, क्या चाहिए मुझे. तो दो चीजें हैं, या तो क्वेश्चन पूछने वाला आपको कॉपर की स्पेसिफिक हीट दे दे, अगर वो कॉपर की स्पेसिफिक हीट दे दे फिर आप पुट करके आंसर निकाल लोगे, कैलोरीज में आंसर आएगा, डन, क्लोज कर देंगे, कोई डाउट इसमें. लेकिन वो नहीं देगा, वो कॉपर की स्पेसिफिक हीट देने की बजाय ऐसे बोलेगा कि कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 5 ग्राम है. वो स्टेटमेंट देगा, कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट 5 ग्राम है. मतलब कि इमेजिन करें कि वो कॉपर जो 5 ग्राम का कॉपर यूज किया, वो कॉपर नहीं है. इमेजिन करना है, वो है नहीं, है तो कॉपर, मन में इमेजिन करो कि वो पानी का बना हुआ है. तो इसमें स्पेसिफिक हीट किसकी यूज करेंगे, पानी की यूज कर लेंगे. वाटर इक्विवेलेंट का मतलब मास तो कॉपर का यूज करें, पर स्पेसिफिक हीट किसकी यूज करने,
वाटर की ही यूज कर लें तो भी चलेगा। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब, अगर वाटर इक्विवेलेंट का मतलब 5 ग्राम वाटर इक्विवेलेंट है, तो यानी कि इसमें स्पेसिफिक हीट किसकी यूज करनी है, वाटर की ही यूज करनी है, चाहे वो कॉपर है तो भी चलेगा। यानी कि इतने इक्विवेलेंट का मतलब कि आप उसको इक्विवेलेंट टू वाटर मान रहे हैं, इसका मतलब आप उसको इक्विवेलेंट टू वाटर मान रहे हैं, है नहीं वो वाटर, वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो आपको स्पेसिफिक हीट कॉपर की देना नहीं चाहता, अब वाटर की यूज कर लें, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई कॉपर की पता नहीं तो उसको पानी मान के सॉल्व कर दे, इसकी जगह वाटर इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर देते हैं। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जैसे अगर मान लो हम एक आयरन का वाटर इक्विवेलेंट 10 kg है, तो आयरन का वाटर इक्विवेलेंट 10 kg है तो मास तो 10 kg लेंगे, लेकिन स्पेसिफिक हीट इसके अंदर किसकी लेंगे, आयरन की नहीं लेंगे, किसकी लेंगे, वाटर की लेंगे, कि उसने वाटर इक्विवेलेंट वर्ड बोल दिया। मैंने आपको ये नहीं कहा कि क्या डिपेंडेंसी है, मैंने कहा कि इसका वाटर इक्विवेलेंट अगर ये है, इसका मतलब ये है। देखो इमेजिनेशन में, अगर आप रियलिटी में जाओगे तो यार कॉपर पानी का बना नहीं हुआ, मतलब कॉपर की जगह वो पानी इक्विवेलेंट ले रहा है कि पानी को गर्म करेंगे सेम अमाउंट ऑफ हीट लेगा जो कॉपर लेगा, तो ऐसा कुछ इसका मतलब है। पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बस वाटर इक्विवेलेंट का मतलब हमें स्पेसिफिक वाटर की लेनी है, इतना खत्म करें, ठीक है। चाहे इमेजिनरी है आपको ये, रियलिटी में कोई कॉपर की जगह पानी देने नहीं वाला, पर इमेजिनरी है कि जहां कॉपर की स्पेसिफिक हीट ना देना हो और पानी की स्पेसिफिक हीट से काम चलाना हो तो वाटर इक्विवेलेंट वर्ड यूज कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको बताता है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, डेफिनेशन तो किसने क्या ही पूछनी है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहा है वाटर इक्विवेलेंट का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें।